अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये फंक्शन जो हमें दे रखा है ये कह रहा है कि हमें ए और बी के बीच में ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जिससे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। अब यहाँ पे अगर इस फंक्शन की बात करें तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 पे ये हमारा हमेशा कंटिन्यूअस होगा, x ग्रेटर देन 3 पे ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें 3 के लिए चेक करना है। ठीक है, तो 3 के लिए देख लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 3, 3 के लिए चेक क्या करना है हमें, चूंकि बताना है कि a और b की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता कब है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के और ये इक्वल हो जाए f ऑफ a के, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग 3 के लिए चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस मतलब 3 से जस्ट छोटा, तो 3 से जस्ट छोटे के लिए फंक्शन क्या है हमारा ए एक्स प्लस 1। 3 से जस्ट छोटा इसका मतलब हम इसको रिप्लेस कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ए 3 माइनस h प्लस 1, लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 ए प्लस 1। ठीक है, आर एच एल क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और 3 प्लस मतलब 3 से जस्ट ज़्यादा, 3 से जस्ट ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या आएगा बी एक्स प्लस 3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे x को रिप्लेस कर देंगे 3 प्लस यानी 3 प्लस k से, तो ये हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 बी 3 प्लस के प्लस 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बी प्लस 3, इस तरह से आ गया। तो ये दो चीज़ें तो हमें मिल गई, अब आते हैं तीसरी चीज़ पे, यानी f3। f3 हमारा क्या आएगा, 3 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 a प्लस 1, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हमें इसको कंटिन्यूअस चूंकि दिखाना है तो इन सबको इक्वल करना है, तो ये तो इसके इक्वल पहले ही है, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट फॉर एफ इज कंटिन्यूअस क्या करेंगे हम लोग, 3 ए प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बी प्लस 1। अगर 3 बी प्लस 3 अगर ये दोनों कंटिन्यूअस, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना है तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, इसको उधर लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 ए इज इक्वल टू 3 बी प्लस 3 माइनस 1 यानी 2। अब यहाँ पे ये 3 इधर भी है इधर भी है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी प्लस 2 अपॉन 3। ये हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।